बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फूड्स के बारे में। ऑल फूड्स फॉल्स इनटू थ्री टाइप्स, जो तमाम गजाएं हो कि उसकी कितनी किस्में होती हैं, तीन किस्में होती हैं। दे आर नंबर वन है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। कौन सी है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोटीन्स। नंबर दो है एनर्जी गिविंग फूड्स, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और नंबर थ्री है प्रोटेक्टिव फूड्स, जैसे मिनरल्स एंड विटामिन। पहले हम पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में। किसके बारे में? बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसे कहते हैं, मतलब प्रोटीन। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन किसे बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स को। दीज फूड्स मेक्स अस ग्रो टॉल एंड स्ट्रांग। जो ये गुजा होती है जिसमें प्रोटीन होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड जिसको बोलते हैं, उससे हमारे जिस्म क्या होता है, हम लंबे भी होते हैं और स्ट्रांग, मजबूत भी होते हैं। बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन, बच्चे और नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे और नौजवान बच्चे जो होते हैं, उनको ज़रूरत है नीड मोर प्रोटीन देन अडल्ट। उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है किसकी? प्रोटीन की। किसके बनिस्बत? बूढ़ों के बनिस्बत उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन किस किस में होता है? मिल्क, दूध में होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स, जो दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं उसमें होता है प्रोटीन। पल्सेस, दालों में होता है, बीन्स, फली में होता है, पीज, मटर में होता है, नट्स में होता है और सोयाबीन्स में भी। और किस में होता है? मीट्स, गोश्त में, फिश, मछली में एंड एग्स और अंडों में आर दिस सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या पाए जाते हैं चीज़ों में? प्रोटीन। किन किन चीज़ों में? दूध में, दूध से बनी हुई चीज़ों में, दालों में, गोश्त में, मछली में, अंडों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स। उसको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नंबर दो है वो क्या है? एनर्जी गिविंग फूड्स, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव्स अस द एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें क्या देता है? हमें ताकत देता है। शुगर एंड स्टार्च आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। शुगर और जो स्टार्च होता है वो ज्यादा तादाद में किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। दीज फूड गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू वर्क। जो ये चीजें होती हैं वो हमें क्या देती हैं? मजबूती देती हैं और ताकत देती हैं किस में? काम करने में। जैसे रन हम दौड़ते हैं, प्ले खेलते हैं, स्टडी जब पढ़ते हैं उसमें हमें एनर्जी देती है क्या? कार्बोहाइड्रेट। शुगर इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स, होनी, बीट रूट एंड शुगर केन। जो शुगर होती है वो किस में ज्यादा पाई जाती है? तमाम जो मेवे होते हैं उसमें, जैसे होनी शहद में पाई जाती है, बीट रूट चिकंदर में पाई जाती है एंड शुगर केन और गन्ने में। स्टार्च इज प्रेजेंट इन राइस, स्वीट पोटैटो, टोपीका एंड याम। स्टार्च जो है वो ज्यादा किस में पाई जाती है? राइस चावल में, व्हीट गंदम में, आलू में, स्वीट पोटैटो मीठे आलू में, टोपीका में, ये किस्म की तरह होता है क्या, ये भी एक कोई सब्जी होती है, याम और तरकारी में। फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट जो होती है वो हमें ज्यादा एनर्जी देती है किसके बनिस्बत? कार्बोहाइड्रेट की बनिस्बत। इफ फैट्स आर नॉट यूज्ड अप इन द बॉडी, अगर हमारे जिस्म में ज्यादा फैट्स चर्बी नहीं होगी, इट इंक्रीज द बॉडी वेट विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर हमारे जिस्म में फैट्स नहीं होगी तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी वेट है वो बढ़ता नहीं है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम फैट्स ज्यादा लेंगे तो जिस्म जो हमारा वेट बढ़ेगा, अगर हमारा वेट बढ़ेगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऑल ऑयली फूड्स हैव फैट इन देम। आज जो हम तमाम ही ऑयली चीजें, तेल वाली चीजें जो गजा खाते हैं उसमें ज्यादा क्या होती है? फैट्स होती है। ऑयल सीड्स लाइक ग्राउंड नट्स, काजू नट्स, कोकोनट, वेजिटेबल घी, बटर, मिल्क, चीज, एग्स हैव फैट इन देम। जो ऑयल सीड्स, जो बीज होते हैं ऑयल वाला जो होते हैं वो क्या, जैसे अखरोट, काजू, नारियल, अच्छा वेजिटेबल घी जो होता है वो बटर में भी होता है फैट्स ज़्यादा, मिल्क में होता है, चीज़ में होता है, पनीर में और अंडों में ज़्यादा क्या होता है? फैट्स होता है। अब तीसरा हमारे पास है प्रोटेक्टिव फूड्स। क्या है? प्रोटेक्टिव फूड जैसे मिनरल्स एंड विटामिन। क्या बोलते हैं उसे? मिनरल्स एंड विटामिन। फूड्स रिच इन मिनरल्स, फूड्स रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। गजा जिसमें मिनरल्स और विटामिन हो उसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स। वी नीड दीज फूड टू ग्रो हेल्दी बोन्स, टीथ, हेयर, स्किन, ब्यूज,
सिकंस एंड फॉर अवर जनरल वेलबींग। हमें जरूरत है गजा, हेल्दी गजा की जरूरत है जो हमें उगाने में मदद देती है। जैसे हम लेंगे ये जब विटामिन और मिनरल्स हम लेंगे, वो हमें किससे, उससे क्या होता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, सेहतमंद होती हैं, हेल्दी होती हैं, हमारे दांत, हमारे बाल, हमारी चमड़ी जो है, हमारे और जो अज़ा हैं वो क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। इस किस्म की गजा हमें, दीज फूड्स हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट सिकनेस। ऐसी गजा हमें किससे मदद देती है, हमारे जिस्म को बीमारियों से लड़ने की मदद देती है। ये हमारे पास आगे क्या, तीन टाइप्स ऑफ फूड्स, नंबर वन बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स, ये तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। बाकी वस्सलाम।